दोस्तों देखिए, शायद इस तरह के आर्टिकल आपने भी देखे होंगे, आपको भी मिले होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुत जल्द आपको 64,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो क्या आपके अकाउंट में भी आए ये पैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। एक और शनिवार शाम को 6 बजे हम सामने आए हैं आपके। दोस्तों हर शनिवार कोई ना कोई इंपॉर्टेंट थिंग लेके हम आपके सामने आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि हमारे एक दर्शक ने हमें ये स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें ये कहा जा रहा था कि 64,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे पीएफ अकाउंट में। उसी को लेके ये लोग जानना चाह रहे थे कि क्या सचमुच 64,000 आएंगे, तो आएंगे तो क्यों आएंगे, मतलब कौन डाल रहा है अचानक से 64,000 रुपये। तो दोस्तों जब इसकी तहकीकात की मैंने, जब सर्च करके देखा, तो दो चीज़ें मेरे सामने आई जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। नंबर वन दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोग ऑनलाइन न्यूज़ पे या ऑनलाइन पोर्टल में ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसको बाहर से देख के आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी, आप खुश हो जाएंगे कि कुछ अच्छा हो रहा है, 64,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। बट जब अंदर जाके आप इस न्यूज़ को या ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो बाद में निराशा ही मिलती है। तो वैसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। जब अंदर जाके हमने पढ़ा इसे, इसको जाँचा, तो पता चला कि जिस 64,000 की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जिस पैसे की बात कर रहे हैं वो पैसा है इंटरेस्ट, जो आपके पीएफ पे इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि बहुत जल्द आपके खाते में ब्याज डाल दिया जाएगा, और बताया गया है कि जिसके खाते में 8 लाख रुपये हैं ऑलरेडी, उनको 64,000 रुपये 8.1 की राशि के अकॉर्डिंग उनको 64,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो 8% के हिसाब से लगा लीजिए 80,000 रुपए। तो वैसे ही जिसके अकाउंट में 8 लाख है तो उसका लगभग 64,000 रुपए। तो कोई 64,000 ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी के भी अकाउंट में डाल देंगे। जिसके अकाउंट में जितना पैसा होगा उस पर उसका 8.1 के परसेंटेज की दर से उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है, कुछ भी नहीं था इसमें। सिंपली आपकी नॉलेज के लिए इतना बता देता हूँ कि ब्याज कब आता है। दोस्तों हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, अप्रैल के स्टार्टिंग में ब्याज आपके पीएफ अकाउंट में डाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट या ईपीएफओ दिवाली के टाइम पे भी कुछ परसेंटेज ब्याज पीएफ अकाउंट में आपके डाल देते हैं। और इस साल न्यूज़ निकल के आई थी कि ब्याज डालना स्टार्ट कर दिया है अप्रैल के बाद, कुछ लोगों के खाते में मई जून या जुलाई तक भी इंटरेस्ट रेट की जो राशि है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा अगर आप न्यूज़ पोर्टल पे कुछ पढ़ते हैं, गूगल पे सर्च करते हुए ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, तो एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इतना जान लीजिए अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून कभी भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो चढ़ जाता है। कैसे चेक करें दोस्तों? पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर कॉल करके अपना पीएफ बैलेंस पता कर सकते हैं। मिस कॉल करनी होती, बेसिकली आप कॉल करेंगे फ़ोन अपने आप कट जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वहाँ से वापस मैसेज आता है जिसमें आपका पीएफ बैलेंस बता दिया जाता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों उमंग ऐप है, उमंग ऐप पे भी जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, इवन अपनी पासबुक भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सेशन में, आज के सेशन में आपसे शेयर करनी थी, वो ये थी कि इस तरह का अगर कोई भी आर्टिकल या कोई नोटिफिकेशन आपको आता है, कोई मैसेज आपको आता है जिसमें बताया जाता है कि आप कोई क्विज जीत चुके हैं या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, तो जिसके लिए आपका कंसर्न चाहिए, एक लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप ये जीत जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के अगर कहीं पे कुछ होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं वो हमारी सोच से 2 कदम आगे जा रहे हैं। हमें इतना पता था पहले कि OTP आएगा, OTP शेयर नहीं करना है तो हम बचे रहेंगे, बट अब ये लोग इतना एडवांस हो चुके हैं, ये कस्टमर्स को, हम लोगों को फंसने के लिए बहुत सारे नए नए तरीक़ों का इजाद इन्होंने कर लिया है। एग्जांपल के लिए कभी कभार क्या होता है कि किसी को मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो लोन पास हो चुका है, 5 लाख का या 10 लाख का लोन पास हो चुका है, और हम आप ये लोन इशू कर रहे हैं जो कि आपको इतने इतने टाइम में वापस भरना पड़ेगा। और फिर नीचे लिखा होता है कि अगर आप ये पर्सन नहीं है, अगर आपने ये लोन नहीं लिया है, किसी और ने आपके बिहाफ पे लिया है, तो तुरंत नीचे लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके इसको कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज़ ये लोन आपके नाम पे इशू हो जाएगा। तो लोग क्या होते हैं, कई बार अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मेल से, ऐसे मैसेज से परेशान हो जाते हैं, और वो यही गलती कर बैठते हैं कि उस लिंक पे चले जाते हैं ये सोच के कि हम इसको कैंसिल कर देंगे। बट वो होता है एक चारा होता है फंसने के लिए, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन
इन हैकर्स के पास या इन फ्रॉडर्स के पास चली जाती है, फिर ये आपके अकाउंट से सारा पैसा विड्रॉ कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बेसिकली आप उनको अपना मोबाइल का एक्सेस देते हैं, आपका मोबाइल समझिए आपने उनको पकड़ा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए अगेन अगेन बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी लिंक पे क्लिक मत कर दीजिए बिना सोचे समझे। जिस डिपार्टमेंट के साइट से वो लिंक बता रहे हैं, अगर अगर आपको फ्रॉड करके बोल रहे हैं कि आपकी बैंक में ये इशू है, तुरंत बैंक को अप्रोच कीजिए, उनके जो ऑफिशियल नंबर है उन पे कॉल कीजिए। सावधान रहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो आज की वीडियो में यही था कि इस तरह की जो न्यूज़ आती, बेसिकली स्पेशली जो ये न्यूज़ थी इसमें कुछ भी नहीं है, और इस तरीके का कुछ और होता है तो उसको बड़ी सावधानी से आपने डील करना है। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हर सैटरडे शाम को 6 बजे प्रस्तुत होते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सैटरडे शाम को 6 बजे। नमस्कार।